ठीक क्या पढ़ रहे अपन? मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वीडियो बात कर रहे हैं मेजरेबल डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो मेजरेबल जो डिवाइस होती है वीडियो बात करें, वैसे अपन को पता है कोई भी चीज मुझे मेजर करना है तो मैं डायरेक्ट तरीके से तो कर सकता हूँ, जैसे फिट से कर लेते, इंच से कर लेते, वो फीते आते सेंटीमीटर मीटर स्केल से कर लेते, लाइट ईयर से कर लेते। लेकिन अगर मुझे पूरे बात करें कुछ ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मतलब मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है उसका, पूरे बात कर बताए आपको हाइट मेजर करना है, समझ पा रहे हो, थिकनेस मेजर करना है, तो कुछ मेरे पास पूरे बात के अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ मोस्ट प्रिसियस इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसियस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है पूरे बात करें, जो उसको प्रिसाइसली मेजर करें। मतलब मुझे ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना जो आपके सिलेबस में है, जैसे पूरे बात का एक स्क्रू गेज हो गया, उससे बेटा बात के दूसरा हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स हो गया, समझ पे स्थेरोमीटर हो गया। तो अगर अपन देखें ये दो पे ज्यादा क्वेश्चन बने, एक तो आपका वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा क्या बना आपका स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज पूरे बात करें ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमीटर को मेजर करूं, चाहे वो आउटर डायमीटर हो चाहे वो इनर डायमीटर हो, समझ पा रहे हो, चाहे उसके लेंथ हो हाइट हो, उनको मेजर करें, तो मैं चाहता हूं कि मेरे मेजरमेंट में गुड़े बात का लिस्ट काउंट कम से कम हो। आपने कहा कि एक वर्ड बोला अपने लिस्ट काउंट कम से कम हो, जिसका लिस्ट काउंट कम से कम होता है गुड़े बात कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। एक्यूरेसी ज्यादा होती तो उसमें एरर क्या होता है, बहुत कम होता है। अभी मैंने तीन वर्ड बोले, क्या बोला है, लिस्ट काउंट कम हो तो गुड़े बात कर एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी और उसका एरर क्या होगा, कम होगा। अब दिक्कत एक ही गुड़े बात करें, एरर का मतलब क्या होता है, जितना उसका डायमीटर है वही नापो, ना उससे थोड़ा ज्यादा ना उससे कम। अगर जितना उसका डायमीटर आ रहा है किसी भी गुड़े बात करें ऑब्जेक्ट का, कोई भी पैरामीटर पर मेजर करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट पैरामीटर को मेजर करके इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दे तो इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी क्या है, कंप्लीट है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और एरर उसमें क्या है, बहुत कम है। जितना उसका डायमीटर है, जितनी उसकी लेंथ है, जो उसकी हाइट है, जो भी पैरामीटर में मेजर कर रहा हूँ, अगर वो करेक्टली मैंने मेजर कर लिया तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो रही है, वो गुड़े बात कर हमारे पास मोर क्या है, प्रिसाइज गुड़े बात करें, समझ पा रहे, इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसाइज मतलब मोर एक्यूरेट, समझ पा रहे, उसके अंदर एरर ना के बराबर है, समझ पा रहे। और मैंने कहा उसका बेटा बात का लिस्ट काउंट कम से कम हो, लिस्ट काउंट कम से कम का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, वो मिनिमम वैल्यू दीदी बात कर जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सके। अगर मैं एक छोटे वर्ड में कहूं कि लिस्ट काउंट क्या है, हिंदी बोलते उसको अल्पतमांक, क्या बोलते हैं, अल्पतमांक, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गुड़े बात करें किसी ऑब्जेक्ट का छोटे से छोटा बेटा बात कर क्या पैरामीटर भी मेजर किया जा सके, जैसे लेंथ तो छोटी छोटी लेंथ मेजर कर लो, डायमीटर छोटे से छोटा डायमीटर मेजर कर ले, समझ पा रहे, हाइट छोटी छोटी हाइट मेजर कर दे, तो उसको बोलते तो बेटा बात करके उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, समझ पा रहे हो। जैसे अपन फिट को मेजर करते हैं तो वो गुड़े बात कर क्या करेगा, फिट में क्या होता है मीटर सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा आधे सेंटीमीटर को मेजर कर लेगा, उसमें दूरी क्या होती है 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर, उनके बीच में गुड़े कोई डायमीटर होता, कोई पैरामीटर ही नहीं होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो अपन को एक्यूरेट पता चल जाता है, लेकिन उसके बीच में अगर माइक्रो सेंटीमीटर में चली गई लेंथ तो कैसे मेजर करें, कर लोगे क्या, तो नहीं कर पाएंगे, बात समझ पा रहे। तो मैं ये चाहता हूं बेटा बात करें कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट हो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पैरामीटर को मेजर करे, वो गुड़े बात कर उसके छोटे से छोटे पैरामीटर को भी मेजर कर ले, छोटे से छोटे पैरामीटर की वैल्यू मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी की बेटा बात करें वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो वो एक्यूरेट मेजर कर दे उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका लिस्ट काउंट, क्या बोलते हैं गुड़े बात कर, लिस्ट काउंट बोलते हैं, बात समझ पर, लिस्ट काउंट और कुछ नहीं है। मतलब मुझे छोटी वैल्यू मेजर करना है स्क्रू गेज के द्वारा तो वो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है, अगर बेटा बात करें छोटी वैल्यू मेजर करना है किसके द्वारा तो वो उसका गुड़े, जैसे अपन ने बोला कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा बेटा बात करें मैं 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर की गुड़े बात कर बताया, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को ही अपन मेजर करते हैं इनके द्वारा, बड़े ऑब्जेक्ट ऐसे जिनकी यहां से दिल्ली की गुड़े डिस्टेंस मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। जो ये इंस्ट्रूमेंट है इनकी गुड़े बात कर इनके द्वारा केवल स्मॉल ऑब्जेक्ट की बेटा बात करें पैरामीटर को अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ गुड़े बात करें कि जो हमारे पास आपका जो जैसे अपने बोला कि वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल होता है वो मिलीमीटर में चलता है, सेंटीमीटर में, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1 मिलीमीटर से गुड़े बात कर 100 मिलीमीटर के बीच की रेंज को मेजर करता है, इसका मतलब अगर 0 पॉइंट गुड़े बात कर बना गया तो नहीं कर पाएगा। तो 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच की रेंज को मेजर करता है, मतलब कि अगर किसी का डायमीटर 1 मिलीमीटर है तो उसको मेजर कर देगा, और 2 है तो आराम से ही करेगा, और मैक्सिमम कितना करेगा 100, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, 1। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1, मतलब इस बेटा स्केल के द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैं सबसे छोटी मापी गई जो गुड़े बात करें डायमीटर है वो क्या है, 1 मिलीमीटर, तो वो इसका क्या होता है, वो इसका लिस्ट काउंट होता है, समझ पा रहे। तो एक वर्ड में अगर मैं बात करूं आपसे तो लिस्ट काउंट क्या है, अगर बोलने के तरीके से बोला जाए तो गुड़े बात करें क्या, स्मॉलेस्ट गुड़े बात करें मेजरेबल वैल्यू वाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है, बात समझ पा रहे, वो मेरा नहीं है।
और दूसरी कंडीशन अपन ने बोले बेटा बात करें कि मेरे पास है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज की मैं ये बोलता हूँ गुड़े बात की कि वो 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच के गुड़े बात के पैरामीटर को मेजर कर लेता है, तो फिर बताओ स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 नहीं है, 1 सेंटीमीटर है। और आपको पता है सेंटीमीटर बड़ा है, स्केल सेंटीमीटर जो गुड़े पास सेंटीमीटर है वो बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है किसके कंपेयर में, या बड़ी यूनिट है कंपेयर टू मिलीमीटर। तो अगर इनमें बोला जाए बेटा बात करें कि बताओ जो मोस्ट गुड़े बात के प्रोसेस डिवाइस है वो कौन सा है, वो अरे स्क्रू गेज सेंटीमीटर में लगता है, उससे छोटा माप देता है मिलीमीटर को अपन। अभी ये मैं आपको पूरा रियल नहीं बता रहा हूं, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो वर्नियर कैलिपर इससे भी छोटी वैल्यू को मेजर करता है ना, तो लीस्ट काउंट किसका कम हुआ? तो ज्यादा गुड़े प्रिसाइज कौन हुआ? बात समझ पा रहे हो? जिसका लीस्ट काउंट कम उसकी गुड़े बात करें हमारे पास प्रिसाइजनेस ज्यादा और उसके अंदर एरर कम। बात समझ पा रहे हो? जितनी छोटी वैल्यू को कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेगा वो सबसे दक्ष गुड़े बात कर, सबसे प्रिसाइज गुड़े बात कर क्या होता है हमारे पास डिवाइस होता है। दो डिवाइस की बात ही कर रखी है, दो डिवाइस दो फॉर्मूले पे चलते हैं मेनली। अगर आप चाहो जैसे अपन पीएमटी की एग्जाम देने आए तो मेरे पास दो फॉर्मूले गुड़े बात कर लिख लो, दो फॉर्मूले की गुड़े बात करो आप आगे बाकी पीछे क्वेश्चन नहीं जाता है। हाँ तुम्हें पूरा देखना है तो पूरा देख लो आराम से, लेकिन वो काम का अपने है नहीं, लेकिन एक बार आप देख लो फिर अपन उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं बेटा बात के, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स क्या देखते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। तो अगर अपन देखना चाहें वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, अच्छा दीदी इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, हाँ पहले वर्नियर कैलिपर्स दिया। अगर अपन देखना चाहें तो आपकी बुक से गुड़े बात कर इसको थोड़ा मैच करना है ना, जो आपके नोट्स में है वो पहले वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की गुड़े बात के हमारे पास क्या है बेटा बात करें, मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो किसी ऑब्जेक्ट को बेटा बात कर क्या करते हैं मेजर करता है। अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात के सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें गुड़े दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको, एक तो मैन स्केल और एक क्या है वर्नियर स्केल, क्योंकि दो बार मुझे बार बार बोलना है। इसमें गुड़े बात के जो आपको फॉर्मूला याद रखना है लिस्ट काउंट, काउंट याद करने का लिस्ट काउंट, वो फॉर्मूला है बेटा बात करें क्या गुड़े बात कर, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, मीन गुड़े बात करें मैन स्केल डिवीजन, ये कौन है मैन स्केल डिवीजन गुड़े बात करें इनटू बेटा बात करें क्या जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी गुड़े बात करें। बी माइनस ए अपॉन बी का मतलब क्या है गुड़े बात करें, यहां पे बेटा बात करें जो ए है वो है नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, और जो बी है बेटा बात करें वो क्या है नंबर ऑफ बेटा बात करें वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। और एम यहां पे क्या है बताओ गुड़े बात के हमारे पास, जी गुड़े बात करें मैन स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन मतलब गुड़े बात करें क्या बोलते हैं इसको, जैसे अगर अपन देखें ये डिवीजन का बेटा बात करें क्या होता है हमारे पास, जैसे आपने कहा ये हमारा फुट है, फुट में ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो डिवीजन का वैल्यू यहां पर कितनी है गुड़े बात करें। आप पहले सर आप ये तो बताओ जो 1 2 3 4 आप ले रहे किसमें ले रहे, मैंने कहा सेंटीमीटर में, तो ठीक है गुड़े बात करें इसका जो डिवीजन की वैल्यू है वो क्या है 1 सेंटीमीटर, चाहे 1 से 2 पर जाओ चाहे 2 से 3 पर जाओ। मैन स्केल डिवीजन का मतलब क्या होता है, अगर ये जो मैन आपने स्केल लिया उसमें गुड़े बात करें दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मैन स्केल डिवीजन, क्या बोलते हैं। और यहां पर बेटा बात कर जो ए है वो नंबर है, ऐसे गुड़े बात कर जिस ऑब्जेक्ट को मैंने मेजर किया ठीक है उसके गुड़े बात का डायमीटर कितना आया, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा बात के 1 से 10 आ रहा है मतलब वो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये नंबर है यहां पर ए और एम यहां पे गुड़े बात कर क्या है कम से कम 1 सेंटीमीटर है, अगर वो मिलीमीटर में है तो फिर 1 मिलीमीटर लो। तो यहां पर दो गुड़े बात करें बताए रीडिंग के बीच की दूरी है, दो पॉइंट के बीच की जो गुड़े रीडिंग आ रही है वो कहलाते हैं बेटा बात करें क्या डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन, और यहां पे ए क्या है उसका नंबर, और बी यहां पर क्या बेटा बात करें वर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर, क्या वर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर। अभी आपको दीदी बात करें पता चलेगा फॉर्मूला आपको एक ही करना है यार, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो एम गुड़े बात करें बी अपॉन बी कितना होगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो 1 माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो कई बार बेटा बात करें बुक में आपको ये भी मिल सकता है ठीक है, कोई भी पढ़ाता है टीचर है स्कूल है सर है बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं, तो सबका अपना लिखने का तरीका है। अगर अपन बात करें गुड़िया कि देखना क्या वर्नियर स्केल डिवीजन में लिस्ट काउंट मेनली है ठीक है, इसमें गुड़िया बात के हमारे पास क्या होता है कि एक होता है मैन स्केल डिवीजन, ये बेटा बात कर मैन स्केल है, जैसे मैंने कहा ये क्या है मैन स्केल है ठीक है, ये मैन स्केल है छोटी सी बात,
इसमें बुढ़े बात कर इसके अगर एंटीरियर पोजिशन पे देखें तो यहां बेटा बात कर दो मिलेंगे आपको क्या, जल्दी बोलो बेटा बात कर, फिक्स हुक लाइक स्ट्रक्चर, फिक्स हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये दीदी बात करें, ये बेटा बात कर हमारे पास क्या है, फिक्स हुक से, समझ पा रहे हो? ऐसे को बेटा बात कर बोल सकते फिक्स हैंडल। दूसरा गुड़े बात का यहां पर मूवेबल हैंडल, कौन आगे बेटा बात करें, मूवेबल पार्ट, इस तरीके से ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा है गुड़िया बात करें। ये बेटा इस तरीके से गुड़िया, अगर अपन देखना चाहें यहां पर बेटा बात करें हमारे पास क्या लगा है गुड़िया बात करें, पुश पुल दीदी बात करें, बटन लगा है ना, जिसको पकड़ के गुड़िया बात करें अपन इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को आगे पीछे ले जा सकते हैं, समझ पा रहे, पीछे ले जाओ आगे ले जाओ, पुश कर दो दीदी बात कर, समझ पा रहे, और पुल कर लो, ठीक है, जो भी करना है। यहां बेटा बात करके देखें गुड़िया कि एक मिलेगा आपको यहां पर क्या, गुड़िया बात करें इसको टाइट करने वाला बोल्ट, मतलब रोटेटर बोल्ट मिलेगा गुड़िया बात करें, जो यहां गुड़िया बात कर इसको क्या कर देगा, टाइट कर देगा, है ना, स्क्रू, तो ये टाइट करने वाला स्क्रू होता है, अगर अपन इसको कस दे तो पूरा यहां चिपक जाएगा, इसको टाइट कर देगा, और ढीला ढीला कर दे तो गुड़िया बात कर यहां से ही ऊपर उठ जाएगा, और यहां से ही गुड़िया बात की ग्रिप छूट जाएगी, तो फिर इसको आराम से अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आगे पीछे ले जाना तो इस बोल्ट को पकड़ के ले जाओ, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं जैसे आप करते हैं, और यहां से गुड़े इसको अपन क्या करते हैं, टाइट बटन है, तो ये टाइट बटन है, ये गुड़े बात का पुश पुल बटन है सिंपल शब्दों में, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर ये आगे पीछे जा सकता है बेटा बात करें, समझ पा रहे, तो इसका मतलब ये कौन है, मूवेबल एंड, ये मूवेबल एंड है बेटा बात कर, ये क्या है, फिक्स्ड एंड है, तो ये मेन स्केल है, मेन स्केल के फर्स्ट एंड पे स्टार्टिंग में लगे होते हैं क्या, फिक्स्ड एंड, और गुड़े बात कर पता है इसकी जो मूवेबल पार्ट है उस पर लगे क्या, मूवेबल एंड। इन गुड़े बात कर पता है जो यहां पर दिखा है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके द्वारा गुड़े बात कर अपन क्या करते हैं, एक्शनल डायमीटर को मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं बेटा बात करें, एक्शनल डायमीटर को मेजर करते हैं। जैसे मैंने कहा गुड़े बात कर मुझे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे बेटा बात कर क्या करना है, डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, डायमीटर कैसा, जैसे गुड़े बात कर यही है, समझ पाई, क्यूब है, इसका डायमीटर मेजर करना है, इसको आपने यहां रखा गुड़े बात कर, इसको यहां पर इसको क्या करो, इसको रुको ढीला करो, और गुड़े बात कर इसको आगे की तरफ क्या कर दो, पुश कर दो, समझ पा रहे, तो पुश करोगे तो आके यहाँ पे चिपक जाएगा, चिपकेगा यहाँ पे कि नहीं चिपकेगा, बात समझ पा रहे, और इसको ये पूरा का पूरा पकड़ लेगा, और फिर इसको खोलना है गुड़े बात कर, तो इसको क्या करो गुड़े बात कर, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाने के बाद किसी पॉइंट पर टाइट करना तो वहां कर दो, या फिर इसको खोल दो, यहां से धीरे से क्या होगा, ढीला होगा, समझ पा रहे, लूज होगा, तो इसको दीदी आगे ले आओ, आगे ले आने के बाद यहां तक लो, जैसे ये जुड़ जाएगा यहां इसको टाइट कर दो तो बिल्कुल यहीं पे सेट हो जाएगा, और फिर आराम से अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग का। तो कंडीशन बेटा बात करें कि जैसे यहाँ पर कोई भी है, माना कोई स्फीयर ही है, ठीक है, स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है गुड़े बात करें, उसका मुझे क्या पता करना था बेटा बात करें, डायमीटर, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे डायमीटर मेजर करना है, डायमीटर मेजर कर लो, रेडियस मेजर करना है, मेजर ये करता हमेशा याद रखना डायमीटर, तो आप क्या करना, डायमीटर का आधा कर दो तो क्या मेजर कर लिया इसने, रेडियस, समझ पा रहे, ये इस तरीके से गुड़े बात करें, पतले से पतले तार, मतलब ये गुड़े बात मार्कर लगाओ तो मार्कर का भी डायमीटर ये बता देगा आपको, बात समझ पा रहा, तो ये कोई बेटा बात करें कौन है, ये है ऑब्जेक्ट, कौन है जल्दी बोलो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है गुड़िया बात करें, और ऑब्जेक्ट का मुझे क्या बेटा बात का मेजर करना है, डायमीटर, डायमीटर लेंथ गुड़िया बात करें, समझ पा रहे, रेडियस, जो भी मेजर करना है कर लो, ये कौन सा डायमीटर मेजर कर रहे बेटा बात करें, अपन एक्शनल, क्या मेजर कर रहे हैं, एक्शनल डायमीटर को बेटा बात के अपन मेजर करते हैं, यहां से किससे, इन नीचे वाले गुड़िया बात करें हुक से, ऊपर वाले से बेटा बात के अपन क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं, इंटरनल डायमीटर, जैसे आपने कहा कि सर कैसे करोगे, आपने कहा गुड़िया बात कर आपके पास ये क्या है, ये गुड़े बात का एक टाइप की, अगर मैं कहूं तो ये क्या है, रिंग है कि डिस्क है दीदी बात के, जल्दी बताओ, ये गुड़े बात का पता है, ऐसा लगता है जैसे गुड़े बात का थोड़ा सेंट्रल होलो डिस्क हो, समझ पा रहे हो, सेंट्रल होलो डिस्क है, अब मुझे गुड़े बात कर अगर एक्शनल डायमीटर मेजर करना है तो मुझे इस गुड़े बात कर पता है डिस्क को यहां पकड़ फंसाना पड़ेगा, तो यहां से यहां फंस जाएगी तो एक्शनल डायमीटर मेजर कर लेगी, नहीं लेकिन मुझे पता करना है अंदर का डायमीटर कितना है, समझ पा रहे, तो अंदर के डायमीटर के लिए अपन को यहां लाना पड़ेगा, अंदर का डायमीटर लाएंगे और गुड़े बात कर ये वाले दो एंड कहां जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, समझ पा रहे, और इनको अपन गुड़े बात कर मेजर कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से ये पता करता है, जैसे अगर मुझे किसी का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, समझ पा रहे, तो देखो उसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया,
रिंग के अंदर पूरे बात करें इस तरीके से, ये क्या था इसका बताओ बेटा बात करें, एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर मेजर नहीं किया इसने, क्या मेजर किया बताओ बेटा बात करें, इंटरनल डायमीटर, अंदर का डायमीटर मेजर किया। तो अंदर का डायमीटर गुड़े बात कर बता, ये सबसे पहले अपन जो दोनों हुक को पहले पास लाते हैं, इसको पास ले आए तो इसके अंदर गुजरे बात को उसको अपन ने क्या कर दिया बेटा बात कर, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद फिर बेटा इसको ढीला किया और पीछे की तरफ ले गया। जब दीदी बात कर जाए दो, अगर एक इंडिया फंस गया, एक इंडिया फंस गया तो उसके बाद तो वो जाएगा नहीं, उसके बाद जहां जाएगा नहीं वहां उसको टाइट कर दो आराम से। फिर यहां पे गुड़े बात कर रीडिंग पढ़ लो, जो रीडिंग मिलेगी वो बेटा बात करे तुम्हारा क्या होता है, मेजरमेंट होता है। बस समझ पा रहे हो? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का उड़े बात करेगा, मुझे इंटरनल डायमीटर का मेजर करना है तो उड़े बात करें अपर हुक के द्वारा मेजर कर लो, और बेटा अगर एक्सटर्नल डायमीटर करना है तो उड़े बात करें यहां बड़ा एरिया होता है तो अपन क्या करते हैं बेटा बात करें लोअर, समझ पा रहे, हुक्स के द्वारा मेजर कर लेते हैं। अगर मुझे उड़े किसी की लेंथ मेजर करना है तो इसके अंदर एक और बेटा बात करें क्या होती है, उड़े बात करें फिट लाइक उड़े बात करें क्या होती है हमारे पास, एक स्मॉल उड़े बात करें इसके लाइक यूनिट होती है, जिसको उड़े बात करें इसके अंदर बाहर चली जाती है वो, समझ पा रहे हैं? तो इसको निकाल करके उसके हम ऑब्जेक्ट की क्या गहराई भी निकाल सकते हैं, सिलेंडर की गहराई निकालना है या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ पता करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर सकते हैं अपन, ठीक है? मतलब ये यहां पर एक स्किल होता है। तो अगर बेटा बात करें मुझे लेंथ या बेटा बात करें हाइट अगर मेजर करना है, डेप्थ मेजर करना है तो गुड़े बात कर आराम से अपन इस पीछे वाले गुड़े बात कर सिलेंडर उससे कर सकते बेटा बात करें, किससे स्किल से कर सकते। और अगर मुझे गुड़े बात करें किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर रेडियस मेजर करना है, एक्शनल करना है तो लोअर हुक जो बड़े वाले हुक होंगे, अगर अपन देखें तो ये बड़े हुक दिखेंगे आपको और ये क्या दिखेंगे बेटा बात के छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो इन छोटे से हुक से गुड़े बात कर अपर हुक से अपन क्या निकाल देंगे, इंटरनल डायमीटर, और बेटा बात कर लोअर लार्ज हुक से क्या निकाल देंगे, एक्शनल डायमीटर। और बेटा बात करें जो इसके पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है स्केल होता है, इसके अंदर चला जाता है पूरा आगे पीछे, वो तुमने घर वाले जो मेप मापने आते हैं उनके पास देखा होगा, एक बड़ा सा स्केल होता है उसके अंदर से निकलता जाता है, ठीक है? तो बेटा बात करें वो फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेंथ को मेजर कर देगा। तो छोटी सी बात है, इसमें इतनी ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ये तो गुड़े बात करें इलेवेंथ में क्लास में होता है, जो जैसे कभी एक्सपेरिमेंट कराना है सर को तो इसलिए हमारे गुड़े बात करें कॉम्पिटिशन के लिए तो बिल्कुल भी काम करनी है। पर हाँ अगर आपने ये एक बार देख लिया बेटा बात कर तो थोड़ा सा ध्यान बना रहता है कि गुड़े बात का अच्छा ये हमारे पास क्या होता है, स्केल होता है गुड़े बात करें, ठीक है? ये हुक्स होते हैं, मूवेबल पार्ट है बेटा बात कर, फिक्स पार्ट है, ठीक है, स्लाइडिंग पार्ट होता है। अच्छा दूसरी बात, यहां से बेटा बात कर इसकी रीडिंग होगी गुड़े बात कर, जैसे जीरो ये है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दीदी बात करें क्या होगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गुड़े बात कर, समझ पा रहे? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इस तरीके से बेटा बात का इसके ऊपर क्या रहेगा, चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये गुड़े बात कर जो तुम्हारे पास दे रखी ये क्या है बताओ बेटा बात कर, मैन स्केल गुड़े बात कर रीडिंग, इसको बोलते हैं बेटा मैन स्केल। कौन है ये? तो मैन स्केल की रीडिंग लिखी है। बात समझ पा रहे हो? ये किसकी रीडिंग है? मैन स्केल की रीडिंग है, सोच पा रहे? इसको मैन स्केल बोलते हैं। अब गुड़े बात कर जो ये वाला स्लाइडिंग पोर्शन है यहां पे बेटा बात कर पता है क्या कंडीशन होती है, इसके ऊपर भी गुड़े बात कर पता है क्या होते हैं बेटा, रीडिंग पॉइंट बने होते हैं। जैसे अपन देखे बेटा बात कर यहां से 1 या 0 से दीदी बात कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से, तो ये चलता रहेगा। अब आपने देखा जो जनरली अगर जनरली अपन गुड़े बात का जो मार्केट में मुझे बेटा बात का 1A कैलिपर्स मिलता है उसमें हमेशा आपको जो मेन स्केल दिखेगा इसमें बेटा बात का मेन स्केल की जो डिवीजन है मतलब दो पॉइंट के जो बीच की दूरी है वो ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू गुड़े बात करें वर्नियर स्केल। इसको बोलते हैं अपन क्या, वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? ये है वर्नियर स्केल। तो ये दीदी बात करें वर्नियर स्केल है, ठीक है? और वर्नियर स्केल की क्या है, ये रीडिंग है। क्या है ये? ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। जनरल दीदी बात करें होगा वर्नियर स्केल डिवीजन की जो गुड़े बात करें क्या होती है, जो बेटा डिस्टेंस होती है, जो उसकी गुड़े वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है कंपेयर टू गुड़े बात करें क्या, मेन स्केल डिवीजन से। समझ पा रहे? अच्छा आपको समझ में आ रहा है MST मतलब मैंने क्या लिखा है? अब मैं केवल गुड़े बात को सीखा पे M लिखूंगा, और बेटा बात कर पता है VHD का मतलब क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो वर्नियर स्केल में गुड़े दो पॉइंट के बीच की जो बेटा बात कर रहे पता है दूरी है, इसको बोलते हैं अपन क्या, मेन स्केल डिवीजन। चाहे इसको देख लो चाहे इसको, अगर ये अपन बोल रहे बेटा बात की जो डिस्टेंस मैंने गुड़े बात के मेजर की है, जो गुड़े बात कर दे रखी है, समझ पा रहे, वो किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब सेंटीमीटर मेजर कर देगा। और छोटा चाहिए गुड़े बात कर मोर एक्यूरेट करने के लिए तो हो सकता है मिलीमीटर में हो, नहीं समझे? लेकिन जितनी बेटा बात के दो पॉइंट के बीच की दूरी यहां पर होगी उससे देखो यहां पर कमी दिख रही है। बात समझ पा रहे? तो वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होती है, वर्नियर स्केल डिवीजन बेटा बात कर ऑलवेज जनरली, या जनरली ऑलवेज तो नहीं बोलना चाहिए, जनरली स्मॉलर देन बेटा बात कर क्या,
मैन स्केल डिवीजन, तो मैन स्केल डिवीजन से बुढ़े बात के वन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये याद रहेगा नहीं रहेगा, ये वर्नियर स्केल है, ये बुढ़े बात का मैन स्केल है। अच्छा, अब आपने कहा जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है रियल में, लिस्ट काउंट मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे छोटी मेजरेबल गुड़िया बात करें क्या वैल्यू, समझ पा रहे बाय बेटा बात करें गिवन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ बेटा बात कर दैट इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जितनी सबसे छोटी गुड़िया बात का डायमीटर या लेंथ को मेजर किया जाए वो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या लिस्ट काउंट है, और लिस्ट काउंट की गुड़िया जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, वो होता है बेटा बात करें क्या एम एस डी, मतलब गुड़िया बात करें जल्दी बोलो मी, हाँ मेन स्केल डिवीजन, स्केल डिवीजन माइनस बेटा बात करें क्या वर्नियर स्केल डिवीजन, सोच पर ये होती है। अच्छा आपने कहा कैसे, जैसे यहां पे कहा गुड़िया बात करें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो है दीदी बात, उसमें से इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को घटा दो जो वैल्यू आएगी बेटा बात करें वो क्या कहलाएगी, गुड़िया बात का लिस्ट काउंट कहलाएगी, क्या कहलाएगी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू में से लिस्ट गुड़िया बात वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को अपन माइनस करें तो जो वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट। बस छोटी सी बात है, कहने के तरीके से मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटी मेजरेबल वैल्यू, समझ पा रहे, तो सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है गुड़िया बात करें, इसकी वैल्यू में से आप इसकी वैल्यू को घटा दो तो वो आ जाएगी सबसे छोटी वैल्यू, ये निकालने का तरीका होता है, समझ पा रहे हो। जैसे गुड़िया बात के दिया जाए कि ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है इसकी जो गुड़िया बात का लिस्ट काउंट वैल्यू है वो है 0.02 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है वो आपको, जो भी वो आपको क्वेश्चन देगा उसमें बता के देगा गुड़िया बात, क्योंकि उसको क्योंकि हमें वो इंस्ट्रूमेंट तो देगा नहीं कि हम वहां पे निकालें, तो उसको हमें गुड़िया बात कर थ्योरिकल ही देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट नहीं करवा रहा है, वहां पे वो थ्योरिकल क्वेश्चन करा रहा है, तो वो लिस्ट काउंट वैल्यू तुम्हें निकाल के देगा। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, सबसे छोटी मेजरेबल वैल्यू, लिस्ट काउंट का मतलब क्या है बेटा बात कर रहे मैन स्केल डिवीजन माइनस सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर लिस्ट काउंट। अब जैसे अपन ने कहा गुड़िया बात कर हमारे पास क्या कहा बेटा बात कर कि यहां से यदि बात कर यहां तक में इसके पास गुड़िया बात कर टोटल कितने डिवीजन आ रहे हैं, समझिए, और बेटा बात कर यहां से यहां तक में इसके पास कितने डिवीजन आ रहे हैं, चलो दीदी अपन इतनी हाइट लेते हैं इतनी लेवल लेंथ लेते हैं, यहां से यहां तक में गुड़िया बात के इसके पास कितने डिवीजन है और यहां से यहां तक में बेटा बात के इसके पास कितने डिवीजन है, नहीं समझे, इतनी लेंथ देखो गुड़िया बात कर यहां पर कितने डिवीजन है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर ज्यादा डिवीजन आएंगे, ज्यादा डिवीजन आ रहे कि नहीं आ रहे, अगर इसमें देखें तो एक और दो डिवीजन आ रहे, लेकिन अगर मैं यही दीदी बात कर यहां तक देखूं समझे यहां तक तो गुड़िया बात में कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन करीब आ रहा है, नहीं समझे आप। और जल्दी गुड़िया बात के जो रेशियो होता है वो ऐसा होता है कि बेटा बात के इसके 9 डिवीजन गुड़िया इसके कितने 10 डिवीजन के बराबर होते हैं। जनरली अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा अगर अपन कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करें तो जो हमारे पास मेन स्केल डिवीजन में 10 स्केल के बेटा बात का 10 डिवीजन की जो दूरी है 10 डिवीजन की जो लेंथ है वो बेटा बात क्या अगर तुम वर्नियर स्केल में देखोगे तो वो गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हो, मैंने कहा जो मेन स्केल में गुड़िया बात का 9 डिवीजन के बीच की लेंथ है वो यहां वर्नियर कैलिपर के उसमें कितने की आएगी 10 की, जो वर्नियर दीदी बात कर पता है स्केल में 10 की है वो मैन स्केल में 9 की है, जो गुड़िया बात कर पता है मैन स्केल में 10 की है वो यहां गुड़िया बात की जनरली कितने की पड़ेगी 10 point something की, चाहे 11 की भी करीब आगे निकल जाए क्योंकि यहां पे गुड़िया बात की दूरी ज्यादा है, तो यहां डिवीजन अगर आपको लेंथ चाहिए तो यहां उतनी लेंथ में डिवीजन के नंबर कम आएंगे, लेकिन नीचे वाले में वर्नियर स्केल में गुड़िया बात के डिवीजन पास पास हैं तो उतनी लेंथ में ज्यादा डिवीजन आएंगे, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अगर आपने वही कहा बेटा बात करें कि एम यहां पे क्या है, बताओ गुड़िया बात करें एम यहां पे क्या है, मैन स्केल डिवीजन मतलब एक गुड़िया बात के डिवीजन के बीच की दूरी, और वी क्या है यहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन, समझ पा रहे हो, मतलब एक वर्नियर स्केल के बीच की दूरी, समझ पा रहे हो, डिवीजन के बीच की दूरी मतलब दो गुड़िया बात करें पॉइंटों के बीच की दूरी, समझ पा रहे हो। तो अपन ऐसा कह सकते हैं गुड़िया बात करें कि अगर ऐसा हो कैसा हो बताओ बेटा बात करें कि हमारे पास गुड़िया बात करें इतनी लेंथ में गुड़िया बात करें कितने आ रहे बेटा बात के बताओ, हमारे पास एक गुड़िया बात करें मेन स्केल डिवीजन का नंबर है और यहां पर जो एम है गुड़िया बात करें वो क्या है बेटा बात के हमारे पास जल्दी बोलो क्या है, ए यहां पर क्या है नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन इतनी लेंथ में, और बेटा बात कर एम यहां पे क्या है जल्दी बोलो गुड़िया बात कर लेंथ बिटवीन गुड़िया बात करें टू गुड़िया बात करें जल्दी बोलो क्या टू डिवीजन थोड़ी है बेटा बात करें लेंथ गुड़िया बात करो वन डिवीजन, एक ही तो डिवीजन हुआ यहां से यहां तक गए तो एक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे दोस्त माना ये गुड़िया 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एक ही तो डिवीजन आया, नहीं समझ पा रहे 11 से 12 जाने में आप एक ही तो गुड़िया बात के सेंटीमीटर आगे बढ़े या मिलीमीटर आगे बढ़े, तो डिवीजन दो पॉइंट के बीच की दूरी है उनको दो पॉइंट मत मानो, दो पॉइंट के बीच की दूरी तो एक दूरी आएगी कि नहीं आएगी, अगर मुझे दो दूरी चाहिए तो दो पॉइंट तीन पॉइंट लेने पड़ेंगे, अरे लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे,
तो इसका मतलब बेटा बात करें एम यहां पे क्या है, नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या वन, सॉरी लेंथ बात करें या फिर डिस्टेंस बिटवीन बेटा बात करें टू मार्क, या बेटा बात करें लेंथ ऑफ वन बेटा बात करें क्या मेन स्केल डिवीजन, और बेटा यहां पे ए क्या है हमारे पास नंबर ऑफ बेटा बात करें मेन स्केल डिवीजन। तो ए है नंबर, जैसे अपन ने कहा इतनी लेंथ में कितने आ रहे गुड़े बात करें, जल्दी बोलो इतनी लेंथ में बेटा बात करें हमारे पास दो डिवीजन आए, और एम यहां पे गुड़े बात करें एक डिवीजन के बीच की दूरी, अपन ने कहा गुड़े बात करें कितना है बेटा बात करें एक मिलीमीटर, तो बताओ इतनी लेंथ में गुड़े इतनी लेंथ की लंबाई क्या है दो मिलीमीटर, अरे दो डिवीजन है कि नहीं है यहां देखो तुम, और यहां पर एम क्या है एक डिवीजन के बीच की दूरी, दो डिवीजन लिए मतलब यहां से यहां तक कितने डिवीजन आए दो डिवीजन आए एक और एक दो, और यहां पर एम क्या है एक डिवीजन के बीच की दूरी, तो दो इंटू एक करोगे तो कितना आएगा दो मिलीमीटर आया कि नहीं आया, अब वही लेंथ तुम यहां पर लेती हो तो गुड़े बात कर लेंथ आपने उतनी ही ली, इसका मतलब ये क्या है टोटल लेंथ है, नंबर ऑफ डिवीजन गुड़े बात कर रहे हैं इंटू डिवीजन ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लेंथ ऑफ वन डिवीजन गुड़े बात करें इसको टू, उतनी लेंथ आपने यहां पर ली। तो यहां बेटा बात क्या पता है कि आपको पता है कि वर्नियर स्केल में गुड़े बात करें जो नंबर ऑफ डिवीजन बेटा बात करें मेन स्केल में थे उतने तो आएंगे नहीं कुछ हालांकि आएंगे, और आपको पता है ज्यादा ही आ रहे हैं, जैसे अपन ने कहा कि इतनी लेंथ में नाइन आएंगे तो यहां पर कितने आएंगे टेन आएंगे, जनरली ये रेशियो चलता है ठीक है गुड़े बात करें। तो अगर बेटा बात करें इतनी ही लेंथ में अगर मेन स्केल डिवीजन में गुड़े बात करें नंबर ऑफ डिवीजन ए है तो वर्नियर स्केल के अंदर गुड़े बात करें ये वर्नियर स्केल है इतना छोटा सा ये वर्नियर स्केल होता है, तो वर्नियर स्केल के अंदर गुड़े बात करें नंबर ऑफ डिवीजन कितने बी है, और गुड़े बात करें दो मतलब पॉइंटों के बीच की दूरी मतलब एक गुड़े बात करें वन स्केल के डिवीजन के बीच की दूरी कितनी आएगी बेटा बात करें माना वो वी है, कितनी है वी है, क्योंकि गुड़े अगर ये एक मीटर है तो आपको इतना समझ में आ रहा हूं कि एक मीटर सॉरी अगर ये एक मिलीमीटर है तो एक मिलीमीटर से छोटा है, अरे है कि नहीं, अगर ये एक सेंटीमीटर में कहूं तो एक सेंटीमीटर से बेटा छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटी सी बात है क्योंकि यहां पर गुड़े बात करें पॉइंट पास होते हैं और यहां पर पॉइंट क्या होते हैं दूर होते हैं, ये है मेन स्केल डिवीजन। तो मैं जो एमएसडी सुन तुम देखते हो ना बेटा बात अपन बुक में लिखा रहता है पीछे सॉल्यूशन में लिखा रहता है एमएसडी है क्या मेन स्केल डिवीजन, और बेटा बात करें जो वीएसडी क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि इसका दीदी स्केल मार्क अलग है इसका स्केल मार्क अलग है, समझ पा रहे हो, तो ये वीएसडी मतलब क्या होगी लेंथ बराबर होगी कि नहीं होगी, लेंथ हमने क्या ली दोनों में बराबर ले ली। अब बुढ़े बात का सोल्व करो इसको, तो अगर मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है क्योंकि ए इंटू एम बराबर क्या आ गया बताओ बेटा बात करें वी इंटू बी, अगर अपन निकालना चाहें गुड़े बताओ भी बराबर क्या आएगा भी बराबर आएगा बी को नीचे पटक दो तो ए अपॉन बी गुड़े बात करें इंटू एम आया कि नहीं आया, अरे भी को यहां रहने दो बी को इधर पटक दो तो ए अपॉन बी इंटू एम। अब गुड़े बात करें भी की वैल्यू को पुट कहां कर दो बेटा बात करें बताओ लिस्ट काउंट में, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी एमएसटी, एमएसटी मतलब एम, एमएसटी क्या होता है मेन स्केल डिवीजन मतलब गुड़े बात करें पता है दो पॉइंट के बीच की दूरी या एक डिवीजन की गुड़े लेंथ ठीक है, माइनस माइनस बेटा बात करें क्या था वी, VSD को अपन ने क्या बोला था V बोला था कि नहीं बोला था, MSD को क्या बोला था M बोला था शॉर्ट में गुड़े बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा बात करें A अपॉन B गुड़े बात करें इंटू M, M यहां से यदि कॉमन उठा लो M अगर कॉमन उठाए बेटा बात करें तो क्या आ जाएगा M इंटू गुड़े बात करें इधर कुछ नहीं बचा मतलब क्या है वन माइनस ए अपॉन बी, अगर गुड़े बात करें बी को अपन क्या करें बेटा बात करें इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा एम गुड़े बात करें इंटू बी माइनस ए अपॉन बी, वही वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं आया, तो छोटी सी बात है बेटा बात करें गुड़े कुछ करना ही नहीं आपको, यहां पर याद क्या रखना है लिस्ट काउंट जब वो तुमसे पूछे तो अपने शब्दों में अगर मुझे लिस्ट काउंट कुछ बताना है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा बात करें लिस्ट काउंट किसका होता है, लिस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, अगर कोई पूछे वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या है तो अपन बोलेंगे इस वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापी गई सबसे छोटी गुड़े बात करें पता है क्या पैरामीटर सबसे छोटा बेटा बात करें मान, अब वो चाहे मिलीमीटर में हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा सबसे छोटी वैल्यू को कितना मेजर कर सकता है इसके द्वारा मेजर की गई सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी इसका लिस्ट काउंट। अब अगर मुझे चाहिए गुड़े बात के लिस्ट काउंट को बेटा बात करें कैसा मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली अपन क्या बोलेंगे जो हमारे पास गुड़े बात करें लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो क्या है एमएसटी माइनस वीएसडी, एमएसटी मतलब क्या है मेन स्केल डिवीजन गुड़े बात करें और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस, बात समझ पा रहे फिर गुड़े बात करें जो तुम्हें वो क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा ये चाहिए मुझे, समझ पा रहे ये मतलब क्या चाहिए लिस्ट काउंट इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन इनटू बेटा बात करें बी माइनस ए अपॉन बी, बी यहां पर क्या है नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स माइनस ए नंबर ऑफ गुड़े बात करें स्केल डिवीजन वो भी किसका मेन स्केल का, तो नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन फिर से क्या आ गया नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इन दो बेटा बात करें इस क्वेश्चन से तुम्हारे लिए केवल काम का है ये, पर ये कैसे आया
ये तुम्हें कैसे याद रहे, इसके लिए इतना रायता अपन ने फैलाया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? वैसे तो दीदी बताने की तरीके और भी होते हैं, जैसे अपन देखें कई बुक्स में लिखा होता है, अगर आपको लिस्ट काउंट चाहिए तो लिस्ट काउंट क्या होता है, बुरे बात करें लिस्ट काउंट जी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, बात तो ठीक है, पर यहां पे पिच क्या बोलोगी आप? स्क्रू गेज की बात नहीं, अपन तो इसकी बात कर रहे हैं। तो कई बार तुम्हें ऐसा लिख दिया जाएगा, वो तुम्हारे लिए काम का नहीं है। कई बार क्या लिख देते बेटा, बात करें कि लिस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर्स का है वो है, गुड़े बात करें यहां पे क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन अपॉन दीदी बात करें क्या, जल्दी बोलो, मैन स्केल दीदी बात करें क्या डिवीजन, या मैन स्केल बेटा बात करें क्या नंबर, क्या लिखिएगा, मैन स्केल नंबर। तो वर्नियर स्केल डिवीजन गुड़े बात करें मतलब है कि वर्नियर स्केल के द्वारा सबसे छोटी कितनी दूरी है इन दो पॉइंटों की, पता चला दीदी बात करें कितनी है 1 मिलीमीटर, तो अपन लिख दिया बेटा बात करें ऊपर 1 मिलीमीटर, और नीचे गुड़े बात करें करना अपन को नंबर ऑफ मैन स्केल, पता चला इसके ऊपर कितने बेटा बात करें पॉइंट है 100, तो क्या कर दो 100, तो जो वैल्यू है 1 मिलीमीटर अपन 100 कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर, तो इसका कहलाएगा लिस्ट काउंट, क्या कहलाएगा लिस्ट काउंट, समझ पा रहे? लेकिन वो हमारे लिए क्वेश्चन में मेजरेबल नहीं है, क्वेश्चन की दीदी काम का नहीं है, समझ पा रहे हो? तुम चाहो तो मैं इसको लिख दूंगा तुम्हारे नोट्स में, जबकि हमें मतलब है केवल किससे, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो ये कंडीशन है। इनमें तुम्हें तीन चीजें याद क्या रखनी है, ऊपरी ऊपरी कोई मुझसे पूछे लिस्ट काउंट क्या है, मतलब सीधी बात है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया सबसे छोटा मान। दूसरा गुड़े बात करें मैथमेटिकली, तो अपन को क्या रखना बेटा बात करें, मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्न स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है, दो पॉइंटों के बीच की दूरी। अगर गुड़े बात करें ये ज्यादा सेंसिटिव है तो मिलीमीटर में होगा, और सेंसिटिव होगा तो माइक्रोमीटर में हो जाएगा, पर माइक्रोमीटर इतना छोटा होगा कि पॉइंट बनाना बहुत तकलीफ भी हो जाएगा, समझ पा रही हूं? दूसरा उसने बोला बेटा बात कर वर्न स्केल डिवीजन, तो ये जो बेटा बात कर रहे हमारे पास मूवेबल पार्ट है ये होता है वर्नियर स्केल, ये मैन स्केल, ये वर्नियर स्केल। जैसे गुड़े बात कर अपने देखा इस ऑब्जेक्ट को यहां फंसाया और इसको टाइट किया, इतना ऑब्जेक्ट आया, तो अब इसको मेजर कर लो गुड़े बात करें, आया कि नहीं आया, कितना आया 1 2 3 4 जो भी आया उसको मेजर करके यहां लिख दो, आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से गुड़े बात का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बेटा बात का इसका फॉर्मूला है, आपके लिए काम का कौन है फॉर्मूला। शॉर्ट ट्रिक से दीदी बात का इजीली आप क्वेश्चन निपटा सकते हो, क्वेश्चन गुड़े बात का अगर आपको निपटाना है, समझ पा रहे हो? किसका क्वेश्चन करना है बेटा बात करें, वर्नियर कैलिपर्स का, एक फॉर्मूला याद रखो मैन स्केल डिवीजन इनटू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो गुड़े बात का, वर्नियर स्केल डिवीजन नंबर माइनस मैन स्केल डिवीजन नंबर अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन नंबर। आपको पता है गुड़े बात कर मैंने आगे वर्नियर किया ताकि मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, ए माइनस भी नहीं किया, बी माइनस ए किया, क्योंकि गुड़े बात कर पर यूनिट लेंथ है, वर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर ज्यादा है कंपेयर टू मैन स्केल डिवीजन, इसलिए अपने क्या किया बी माइनस ए किया, ना कि ए माइनस वी किया, समझ पा रहे कैसे आता है वो अपने देख लिया। क्वेश्चन दीदी बात करें करना आपको, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ठीक है क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या दिया बताओ बेटा बात करें, इन गुड़िया बात के वर्नियर स्केल, इफ बेटा बात करें द मेन स्केल इज मार्क्ड इन गुड़िया बात करें किसमें सेंटीमीटर, इस मार्क्ड इन सेंटीमीटर, उसको अपने गुड़िया बात कर लिया सेंटीमीटर में, इसका मतलब जीरो से यहां पर कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर जो एम है मेन स्केल में दो पॉइंटों के बीच की दूरी क्या आ रही है, दो पॉइंटों के बीच की रीडिंग क्या है 1 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर क्या ले लो 1 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हैं? एंड बेटा बात करें द नंबर ऑफ गुड़े बात करें, ऐसा बोलते हैं द 25 बेटा बात करें वर्नियर स्केल बेटा बात करें डिवीजन गुड़े बात करें आर इक्वल टू 20 बेटा बात करें मैन स्केल डिवीजन, समझ पा रहे? बस हो गया ना पता, तो यहां पर हमारे फॉर्मूले में गुड़े बात करें एम कौन है, मेन स्केल में दो बेटा बात करें पॉइंट के बीच की रीडिंग वो है सेंटीमीटर में, तो अपने कितना बोला उसने इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रखा है तो अपने कितना लिखा 1 सेंटीमीटर, इनटू बेटा बात करें क्या बोला बी यहां पर क्या है नंबर ऑफ बेटा बात के वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब ये जो वर्नियर स्केल है इस पे गुड़े बात की जो जहां पर 20 रीडिंग आएगी वहीं पर गुड़े बात का अगर इतनी लेंथ में या मेन स्केल की रीडिंग देखूं तो वहां मुझे कितनी मिलेगी 20, तो लिखा है बेटा बात का उसने कि 25 वर्नियर स्केल डिवीजंस आर इक्वल टू बेटा बात करें क्या 20 मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कौन थे बेटा बात करें जिसको अपन ने बोला था ए, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या था बी, लिख दो गुड़े बात करें 25 माइनस 20 अपॉन बेटा बात करें क्या 25 कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर इंटू गुड़े बात करें कितना आ गया 5 अपॉन 25 कितने बार गया 5 टाइम्स कैंसिल हुआ 1 अपॉन 5 इसको टू कितना आ गया 0. गुड़े बात करें 2 सेंटीमीटर, बात समझ पा रहे? ये इसका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब गुड़े बात करें सबसे छोटी मेजरेबल वैल्यू इसके द्वारा क्या बेटा बात करें 0.2 सेंटीमीटर, आया समझ में कि नहीं आया? तो कितना सिंपल क्वेश्चन, खुद बना सकते नहीं बना सकते, एक शॉर्ट ट्रिक है गुड़े छोटी सी, आपको यही फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला यही ट्रिक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है शॉर्ट ट्रिक
जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर्स इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या एम, मतलब मेन स्केल डिवीजन इनटू गुड़िया बात करें क्या बी माइनस सी अपॉन बी, मतलब क्या बेटा बात करें नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन माइनस गुड़िया बात करें मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ पा रहे आपने वो वैल्यू रखी गुड़िया बात करें, आपका आंसर आ गया, कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन करो बेटा बात करें फटाफट, क्वेश्चन बेटा बात कर नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन गुड़िया बात करें इसी पे अगर अपन दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी क्वेश्चन पे बेटा अगर दूसरा क्वेश्चन बनाए, जैसे अभी गुड़िया बात कर आपसे क्या कहा, इन वर्नियर कैलिपर्स इफ गुड़िया बात करें वन सेंटीमीटर गुड़िया बात करें डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट, 1 सेंटीमीटर गुड़िया मतलब जीरो है ये रीडिंग, और यहां बेटा बात करिए 1 है, ये क्या बोला अपन ने जीरो से बनता है ये क्या है सेंटीमीटर में चल रहा है, और इसको उसने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इसके बीच में गुड़िया बात कर 10 पार्ट बनाओ, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर देते अपन, यहां तक का था ना बेटा बात करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कि नहीं हो गए, तो यहां से 0 से 1 सेंटीमीटर उसने दीदी कितने पार्ट कर दिए 10 पार्ट मतलब ये दो गुड़े छोटे पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी आ गई 1 मिलीमीटर। समझे आप, तो यहां अपन को क्या लेना है 1 मिलीमीटर ना कि लेना है आपको 1 सेंटीमीटर। यहां उसने क्या बोला है इफ बेटा बात करें 1 सेंटीमीटर इन मैन स्केल गुड़िया ऑन मैन स्केल डिवाइड इंटू 10 गुड़िया बात करें इक्वल पार्ट, समझ पा रहे हो, इफ 20 बेटा बात करें वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड गुड़िया बात करें 10 मेल स्केल डिवीजन, अगर 20 गुड़िया बात करें कौन है वर्नियर स्केल डिवीजन गुड़िया बात करें कोइंसाइड बेटा मतलब बराबर है, जितने बेटा बात करें वर्नियर कैलिपर्स पर 20 भागों की लंबाई है उतनी गुड़िया बात करें मेन स्केल पर कितने की है गुड़िया बताओ, सॉरी वर्नियर कैलिपर्स बोला ना तो उसको अपने 20 लिखा था गुड़िया बात कर, तो अपने बोला बेटा बात करें यदि वर्नियर कैलिपर्स पर 20 गुड़िया बात कर पता है डिवीजन की जो लंबाई है वो गुड़िया बात करें किस पर, जल्दी बोलो बेटा बात करें मेन स्केल पर 8 बेटा बात करें डिवीजन के बराबर है, इफ बेटा बात करें 20 समझ पा रहे डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को इनसाइड 8 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, देन फाइंड आउट बेटा बात करें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो इसमें गुड़िया दो तीन चीज रही थी उसने 3 की 3 तो मुझे दे दी, अगर तुमने यहां पर गुड़िया बात कर उसने क्या कहा था पहला इन वर्नियर कैलिपर्स मैन स्केल गुड़िया बात करें डिवीजन 1 सेंटीमीटर गुड़िया बात करें इक्वली डिवाइड इंटू 10 पार्ट, अगर बेटा बात करें 1 सेंटीमीटर फोकस कर लिया आपने तो क्वेश्चन बिगाड़ दोगे, उसने कहा कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और आपसे क्या कहा था लिस्ट काउंट किसी भी गुड़िया बात का इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है उसके द्वारा गुड़िया मेजर की गई सबसे छोटी दूरी, अगर इसको अपने छोटे छोटे गुड़िया बात करें पता है किसमें बेटा बात करें पॉइंटों में गुड़िया बात ने डिवाइड किया है, इसका मतलब सबसे छोटी मेजरेबल दूरी होती है कि नहीं होती है, स्केल पर गुड़िया बात के जो मार्क आते हैं तो स्केल मार्क हमें गुड़िया बात करें सेंटीमीटर में होता है मीटर में होता है, पर वो सेंटीमीटर की भी चीज बता देता है कि नहीं बता देता है, और सेंटीमीटर का अगर छोटा स्केल लिया तो उसमें भी देखो तुमने बीच में छोटे छोटे होते हैं 1 से 0 से 1 के बीच में 10 पॉइंट, पर 1 से 2 के बीच में 10 छोटे छोटे मार्क होते हैं, तो वो तुम्हें मेजर करके बताते हैं मिलीमीटर, किसको बताते हैं, तो उसने गुड़े बात करे बोला है 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर गुड़े बात करे कितने मिलीमीटर है ये 10 मिलीमीटर है, तो मुझे देखना था केवल गुड़े बात करें दो सक्सेसिव बेटा बात करें पॉइंटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मतलब क्यों दे बात करें कितना 10^-2 मीटर, ये तो पता ही है ना, एक को वही लिखा रहे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10^-2 मीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है बेटा बात करें 10^3 मिलीमीटर होता है कि नहीं होता है, तो गुड़िया बात करें 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर है तुम्हें नहीं पता, तो कम से कम इतना पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10^-2 मीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू गुड़िया बात करें 10^3 मिलीमीटर, -2 से +2 कैंसिल हो गया प्लस 1 बचा, मतलब 10 × 1 करो तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना बचा 10^1 मतलब 10 मिलीमीटर, मतलब गुड़िया बात करें वो 10 मिलीमीटर में डिवाइड हुआ तो दो पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी है 1 मिलीमीटर, तो यहां पर जो आपको लेंथ लेनी थी एम वो क्या थी मैन स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी, जो स्केल पर बना जो स्केल बना रखा है कि नहीं बना रखा है, तो इनमें छोटी दूरी चाहिए हमें दो पॉइंटों के बीच की दूरी वो कितनी आई 1 मिलीमीटर, समझे गुड़िया बात करें इनटू बताओ बी कितना है बेटा बात करें 20 बेटा बात करें वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड 8 मैन स्केल डिवीजन, तो गुड़िया बात करें जो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई है वो गुड़िया बात करें 8 मैन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो इसका मतलब क्या करेंगे -8/20 1 मिलीमीटर इंटू गुड़िया बात करें 20 - 8 करो कितना आ रहा 12/20 आया कि नहीं आया कि नहीं आया, अब 12/20 आया गुड़िया बात करें कैंसिल कर दो इसको किससे किया बेटा बात करें 6/10 10 का डिवाइड करो 0.6
आया क्या 0.6 गुडे बात कर हमारे पास आओ, 0.6 करो इंटू वन तो कितना आ गया 0.6 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.06। अगर तुम्हें सेंटीमीटर में आंसर देना है तो ये तो किसमें आया मिलीमीटर में, तो अपन लिखा बेटा बात का आंसर कितना आया 0.6 मिलीमीटर। समझे, एक मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10^-3 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 10^2 सेंटीमीटर, +2 -2 कैंसिल कितना बचा -1, तो अगर 0.6 में तुम -1 का मल्टीप्लाई करो 10^-1 का कितना आएगा 0.06 मिलीमीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तकलीफ है क्या, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ गया ना ये, नहीं समझे, तो 0.6 मिलीमीटर हो बेटा बात में, 0.06 क्या है सेंटीमीटर है, तो बेटा बात कर आपको ये देखना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन अलग था, तुमने वैसे ही समझ लिया उसने सेंटीमीटर बोला सेंटीमीटर, तुम इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा कि थ्योरेटिकल मतलब मैथमेटिकल अलग वर्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स में तुम सही वैल्यू पुट करोगे तब वो आंसर देगा ना फॉर्मूला। तो आप लिस्ट काउंट को अपने शब्दों में लिखो, लिस्ट काउंट में क्या लिखना है बेटा बात करें, सबसे छोटी मेजरेबल वैल्यू, और सबसे छोटी क्या हो गुड़े बात कर, जो मैंने स्केल में गुड़े बात कर पता है 2 पॉइंट के बीच की दूरी होगी, अगर ये मिलीमीटर में है तो इसका मतलब मिलीमीटर में लेके चलो उसको, अगर सेंटीमीटर में तो क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा बात कर फटाफट।